और चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का आज जन्म दिवस, उनकी आज जयंती है। आपको बता दें कि प्रदेश भर में गांधी जयंती के मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज अहिंसा दिवस के रूप में संपूर्ण प्रदेश में राज्य स्तर, जिला स्तर एवं उपखंड स्तर पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि PCC में भी सुबह 11 बजे सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन होगा। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत PCC में सर्वधर्म प्रार्थना सभा में भाग लेंगे। और आज गांधी जयंती के अवसर पर राज्य सरकार 5 विभूतियों को गांधी सद्भावना पुरस्कार के सम्मान से नवाजेगी। साथ ही आपको बता देते हैं कि SMS स्टेडियम में इन विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा। और कुमार प्रशांत, DR मेहता, अमरनाथ भाई, स्वर्गीय नैमी चंद जैन भावुक और स्वर्गीय BSN सुब्बा राव को ये पुरस्कार दिया जाएगा। कानून व्यवस्था को लेकर BJP सांसद दिया कुमारी ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। आपको बता दें कि दिया कुमारी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आई है तब से राज्य में दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं। अलवर के भिवाड़ी में रेप की घटना में आरोपियों की गिरफ्तारी पर भी सवाल किया। तो वहीं सांगानेर में लड़कियों पर एसिड अटैक पर सरकार को घेरा। जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से लेके अभी तक सिर्फ दुष्कर्म की, महिलाओं पे दुष्कर्म की घटनाएं 25,000 हो गई। अभी 2 दिन पहले अलवर भिवाड़ी में जो घटना हुई थी एक नाबालिग के साथ, जिसमें 8 लोग जिन्होंने लगातार नाबालिग को रेप किया, उसका वीडियो वायरल किया, अभी तक उनमें से एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। ये क्या हो रहा है राजस्थान? कहां है इनकी सरकार और कहां है इनका एडमिनिस्ट्रेशन? राजस्थान में केवल एक चीज चल रही है, मुख्यमंत्री बने रहने की लड़ाई और मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई। इसके अलावा राजस्थान में कुछ भी घटे, सरकार को और कांग्रेस पार्टी को उससे कोई मतलब नहीं है। अलवर में जो घटना हुई है उसमें 8 लोग शामिल हैं, 2 दिन हो चुके हैं, उन 8 में से एक भी अरेस्ट नहीं हुआ है। ये अलवर में घटित होने वाली कोई पहली घटना नहीं है। जयपुर में लड़कियां कितनी सुरक्षित है, इसके मिसाल शनिवार को देखने को मिली। आपको बता दें एक सिरफिरे युवक ने 2 लड़कियों पर एसिड फेंक दिया। युवक ने पहले एक युवती पर एसिड फेंका, फिर 1 किलोमीटर की दूरी पर दूसरी युवती पर एसिड फेंका। हालांकि एसिड अटैक की शिकार हुई दोनों लड़कियां एक दूसरे को नहीं जानती है। और बताया जा रहा है कि बदमाश बाइक से आया था, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है।